पिछले दिनों हुई शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश ने आशियाने गिरा दिए। आफत की बारिश ने ग्रामीण क्षेत्रों की परिवार पर कहर बरसा दिया, जहां घर क्षतिग्रस्त तो हुआ ही है, गृहस्थी का सामान भी खराब हो गया। सबसे बड़ी बात तो बारिश से चारों तरफ से पानी भरा हुआ है और बेहलोत का एक परिवार नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। गरीबी की मार ऐसी है कि वह ऐसे हाल में रहने को मजबूर है, वही शासन की योजनाओं का लाभ भी उन्हें रत्ती भर भी नहीं मिल रहा है। सवाल यह उठता है कि ऐसे गरीबों के लिए शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ नहीं तो फिर किसके लिए है? जिम्मेदारों से इस परिवार ने कई बार गुहार लगाई, लेकिन जिम्मेदारों ने भी इनकी एक ना सुनी। बारिश के कहर से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों हलाकान हो गए, चारों तरफ बर्बादी का मंजर देखने को मिल रहा है। तो वही ग्राम पंचायत हरदूखेड़ी के बहलोट में रहने वाला एक गरीब पाल परिवार बारिश के पानी की चपेट में आ गया और उनके कच्चे घर की दीवार धराशाही हो गई, चारों तरफ घर में पानी भर गया। परिवार की तीन बेटियों और दंपत्ति जैसे तैसे घर की दीवार खड़ी तो कर ली, लेकिन डर अभी भी बना हुआ है, दीवार कभी भी गिर सकती है। ऐसे में परिवार अपना निवास कर रहा है, बाहर कीचड़ लबालब दिखाई पड़ती है, जिससे मच्छर मक्खी और जहरीले कीड़े काटे हमेशा दिखाई पड़ते हैं। बड़ी बात तो यह है कि जीवनलाल पाल का यह परिवार शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं से भी वंचित है। इन्हें अभी तक पूर्व सरपंच ने आवासीय जैसी योजना का लाभ नहीं दिया है, इतना ही नहीं खाद्य पर्ची बीपीएल कार्ड नहीं बना है। गरीब इतनी है कि इनके घर की हालत माली है, लेकिन तीन बच्चियां पढ़ाई में अव्वल है, तीनों कॉलेज में है। जीवन लालपाल ने तीनों बच्चियों को मेहनत मजदूरी कर पढ़ाया लिखाया है, लेकिन सरकार ने ऐसी कोई योजना का लाभ नहीं पहुंचाया जिससे उन्हें आर्थिक मदद मिल सके। बारिश ने भी इन पर कहर बरसा दिया और अभी तक इनके घर पर भी की टीम नहीं पहुंची। यह सही है, परिवार अब शासन से मदद की गुहार लगा रहा है। वही जीवन लाल की पत्नी सुमन कहती है कि कई बार सरपंच से गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने उनकी एक न सुनी। अब वह बहुत परेशान है, मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। इस संबंध में जब हमने गांव के नवनिर्वाचित सरपंच अशोक कुशवाहा से बात की तो उन्होंने तुरंत महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए बात कही। उन्होंने कहा कि पूर्व में सरपंच ने ऐसे लोगों को लाभ नहीं दिया जो वास्तव में इसके हकदार हैं। विदिशा जिला ब्यूरो मुकेश चतुर्वेदी। और जो पूर्व सरपंच थे ना, उन्होंने भी बोला, सचिव से भी बोला और आगे तक भी बोला, उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की है। बस बोले कि कर देंगे। आज हमारी ये दीवार तक की बात आ गई है, दीवार गिर गई है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया है सर हमारे लिए, और उन्होंने कुछ सुना ही नहीं है। मतलब वो तो आए भी नहीं है, जैसे ये सरपंच साहब आए देखने के लिए, इन्होंने हमारी शिकायत सुनी, हमने कंप्लेन की, जैसे ही वो आए उन्होंने सब कुछ किया, तो उस तरीके से उन्होंने नहीं सुना। शायद उन्होंने सुना होता तो आज हमारी ये स्थिति नहीं होती। लेकिन ये सरपंच साहब को हमने जैसे ही बोला, हमारी दीवार गिर गई थी, कमरे गिर गया था, डैमेज हो गया है, तो वो सारा, लेकिन उन्होंने सुना, आए वो। और बस यही है कि गवर्नमेंट से हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे लिए वो कुटी योजना, आवास योजना का हमें लाभ प्रदान कर दें, और जो शौचालय की दिक्कत है शौचालय का करवा दें वो सबसे पहले। तो बस ऐसे में घर का खर्च कैसे चलता है? घर का खर्च बस ऐसे चलता है कि पापा मजदूरी पे जाते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। शासन से कोई योजना का लाभ नहीं? शासन से कोई योजना नहीं है। चलिए, आठ दिनों से चल रही है, लेकिन अभी तेज बारिश के कारण जो दो कमरा थे उनमें से एक कमरा गिर चुका है। एक में हमारे चार बाल बच्चे हैं, तीन लड़कियाँ एक लड़का है। परेशानी आ रही, दीवार गिर, जो चौतरफा से पूरा मतलब हो चुके वो खराब मकान, मेरे पानी भर रहा है, और जो परेशानी जी आ रही ना, सार राशन कार्ड है मेरे पास, ना बिजली बिल है मेरे पास। परसों को सरपंच साहब फोन लगाया, जैसे मकान गिरा सरपंच साहब बुलाया, हमने सरपंच साहब को बताया, आज भी सरपंच साहब को बुलाया, सर लेके मीडिया वाले इनको बताने आए, और मजबूर जी ऐसा लाइट तक नहीं, ना ही राशन कार्ड है मेरे पास, चारों बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, अब इनके साथ परेशानियाँ ज़्यादा है, तो आश नहीं है मुझे सर, सरकार से थोड़ी सहायता मिल जाए तो अच्छी बात है, कुटी वगैरह कुछ मिल जाए जी। घर रात को सोने में डर लगता है मेरे बच्चों को, क्योंकि चौतर पास दीवार खराब हो रही है। सरकार महोदय से निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के मुझे राशि मिले, कुटी के मेरे बच्चों के लाने सुविधाएँ मिल जाए। आपने पहले सरपंच से नहीं कहा, पूर्व जो सरपंच थे उनसे नहीं कहा, सचिव जी सर कहा था, उनसे भी कहा, सचिव साहब से भी कहा, लेकिन उन्हें नहीं सुना। कितनी बार गुहार लगाई आप? तीन चार बार। कोई सुनवाई नहीं हुई सर हमारी। कोई शासन की योजनाओं का कोई भी लाभ नहीं मिलता आपको? सर ना ही राशन कार्ड है मेरे पास, अनाज वगैरह कुछ नहीं है सर मेरे पास। फिर कैसे चलता है घर? सर हम मजदूरी करते हैं दोनों पति पत्नी, थोड़ा बहुत बच्चा भी करते हैं, जो भी कुछ अपना चल रहा है, जैसे व्यवस्था चला रहे हैं, बच्चियों को पढ़ा रहे हैं आगे,
मजबूरी के अनुसार सर बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना चाहते। सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे बच्चियों को पढ़ाने में सहायता मिले और कुछ इनके लाने वो मिल जाए तो जी बच्चियाँ आगे कुछ करके दिखा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। यहाँ तक 5-6 सालों से देख रहे हैं, बहुत ही नाजुक स्थिति में रह रहे हैं और गरीबी तौर पर रह रहे हैं जी। और शासन से कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है इनके लिए, मजदूरी करते हैं और बस उसी को। अभी बरसात में तो ये मान लो कि मजदूरी भी नहीं लगी, लेकिन अब वो तो क्या है कि बहुत ही तंगई स्थिति में रह रहे हैं सर जी। सरपंच सचिव यहाँ आए कभी, इनकी सुनी जी? सरपंच सचिव तो किसी की सुनते ही नहीं है और देखते ही नहीं है, पहली बात तो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अपन बार बार जाओ फिर भी अपना काम होता ही नहीं है। चलिए, विगत 2 दिन पहले जो भारी बरसात हुई थी उसमें ऐसे पाल के अलावा कई ऐसे घर हैं जो क्षतिग्रस्त हो गए, पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। प्रशासन आज तारीख तक हमारी पंचायत में नहीं आए, बहुत ही विडम्बना है। और मैं तो ये कहूँगा श्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब से कि ये जो शासन प्रशासन एक एसी के कमरे में बैठ के प्लान करते हैं, वो धरातल पे आके देखें कि वास्तविक में उन लोगों को कुटीर या शौचालय या अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है जो वास्तविक इसके हकदार हैं। उन लोगों को कुटीर या अन्य योजनाओं को लाभ मिल रहा है जो वास्तविक में उनके हकदार नहीं है। तो मैं तो बस एक ही बार गुजारिश करूँगा कि आपका नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप जाके देखो मुख्यमंत्री जी धरातल पर कि बेटी कहाँ पढ़ पा रही है। आज आपने देखा मोनिका पाल बीए बीएससी कहाँ, उनके घर वाले बाहर बैठे, वोट विडम्बना है। ऐसी एक नहीं अनेक समस्या हमारी पंचायत में है। अब पंचायत की तरफ से क्या लाभ दिया जाएगा? पंचायत की ओर से हम तत्काल स्वच्छ मिशन के तहत उनको शौचालय के लिए आदेश किए हैं और तुरंत ही हमने एक प्रपोजल बना के भेजा है कि तुरंत ही इस पर कुटीर बनाने का कार्रवाई चालू की जाए। और इसी के साथ से हमने पंचायत की ओर से 50 किलो गेहूँ और 50 किलो चावल देने का वादा करके आए हैं। सरपंच साहब, एक तरह अमृत महोत्सव मनाया, अभी अभी फिलहाल मनाया है और अब शासन की योजनाओं से वंचित हैं, किस तरह अंधे की क्यों? ये पिछले विगत 7 वर्षों में यही चलता रहा, अंधे नगरी चौपट राजा, ये देख चारों ओर यही चलता रहा कि जो वास्तविक में हकदार उनको कुछ नहीं है और जो हकदार नहीं है जिनके भरे पेट हैं उनको सब कुछ मिला है। मैंने और हमारी पूरी पंचायत की टीम ने चारों ओर जोर लगा रखा है, सबको समझाए समीक्षा की है, अगर कहीं भी गड़बड़ी पाई गई चाहे वो आंगनबाड़ी हो चाहे कंट्रोल की दुकान हो चाहे आशा कार्यकर्ता हो चाहे और भी अन्य जो हमारे VLO या कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो, हम छोड़ेंगे नहीं अपना।